नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज के वीडियो में आज रिलीज होने वाली फिल्म जुग जुग जियो के बारे में बात करेंगे कि फिल्म ने कल रात तक कितनी एडवांस बुकिंग एक्चुअली प्राप्त कर ली थी और ये फिल्म आज एक्चुअली बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन करने वाली है। क्योंकि दोस्तों कल कुछ क्रिटिक्स के रिव्यूज आए थे जिनके अनुसार फिल्म बहुत ही अच्छी है, बहुत ही इंटरटेनिंग है, बहुत ही मतलब फनी एलिमेंट्स है इसमें और इमोशन भी बहुत ही अच्छे है। फिल्म का म्यूजिक बहुत अच्छा है, कलाकारों की परफॉर्मेंस बहुत दमदार है, ऐसा रिव्यूज कुछ क्रिटिक्स के द्वारा आए थे जो भारत के काफी बड़े क्रिटिक्स माने जाते हैं, प्रसिद्ध क्रिटिक्स माने जाते हैं, जिनमें तरण आदर्श का नाम भी शामिल है। वही दोस्तों एक और क्रिटिक्स कमाल आर खान, उन्होंने ये कहा था कि फिल्म ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 करोड़ रुपए की ओपनिंग अपने पहले दिन करेगी और इसका लाइफ टाइम नेट कलेक्शन 25-30 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं रहने वाला और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित होगी। तो कौन सी क्रिटिक्स सही है इसी के बारे में भी बात करेंगे। मैं आपको बता दूं कि फिल्म का बजट करीब 120 करोड़ रुपए से 150 करोड़ रुपए है। इस फिल्म को भारत में करीब 2500 स्क्रीन पर रिलीज किया जा रहा है। वहीं अगर वर्ल्ड वाइड बात करें तो इस फिल्म को करीब 3500 स्क्रीन पर रिलीज किया जा रहा है। फिल्म को डायरेक्ट किया राज मेहता ने, जो इससे पहले करण जोहर के द्वारा प्रोड्यूस की गई फिल्म गुड न्यूज को डायरेक्ट कर चुकी है और वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। तो क्या वो गुड न्यूज वाला मैजिक फिर से यहाँ पे राज मेहता क्रिएट कर पाए, इसके बारे में देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों जो क्रिटिक्स ने जिस प्रकार के रिव्यूज दिए उसको कई लोग ये कहकर खारिज कर रहे हैं कि वो सारे के सारे पेड रिव्यूज है, मतलब उन लोगों को तो ऐसा बोलना ही था। दरअसल सच्चाई तब सामने आएगी जब बाकी रिव्यूज आते हैं। आज फिल्म रिलीज होगी, उसके बाद में जो रिव्यूज आएंगे, जो हॉनेस्ट रिव्यूज आएंगे, उससे फिल्म के बारे में पता चलेगा। लेकिन दोस्तों क्या फिल्म की वास्तव में इतनी बड़ी हाइप है जितना कि इसको प्रचारित किया जा रहा है? दोस्तों मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि इस फिल्म की जो एडवांस बुकिंग है कल रात तक वो करीब 6 करोड़ रुपए के आसपास रही है। अभी तक पूरा डाटा मेरे पास में नहीं है लेकिन जितनी रिपोर्ट्स मैंने अभी तक देखी है वो करीब 5.5 करोड़ से 6 करोड़ रुपए तक की एडवांस बुकिंग ये फिल्म कल रात तक पूरे देश भर से हासिल कर चुकी है। सबसे ज्यादा एडवांस बुकिंग इसे दिल्ली NCR तथा मुंबई से प्राप्त हुई है, वहां लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास एडवांस बुकिंग फिल्म को प्राप्त हुई है, मतलब दोनों जगह से करीब 1-1 करोड़ रुपए के आसपास एडवांस बुकिंग प्राप्त हो चुकी है। और मुंबई में जहां इस फिल्म को करीब 850 शो के करीब रिलीज किया गया, वहीं दिल्ली NCR में ये फिल्म 900 से ज्यादा शो पे रिलीज की गई है। तो दोस्तों वहां से फिल्म को काफी अच्छा रिस्पांस प्राप्त हो रहा है। अब दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर फिल्म 5 करोड़ रुपए की भी एडवांस बुकिंग अब तक प्राप्त कर चुकी है, 5 से 6 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग ये प्राप्त कर चुकी है, एक्यूरेट डाटा नहीं है लेकिन 6 करोड़ रुपए तक की इसकी एडवांस बुकिंग रह सकती है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, तो इसका मतलब हुआ कि फिल्म कम से कम 6 करोड़ रुपए का कलेक्शन अपने पहले दिन करेगी ही। दोस्तों यहाँ पे KRK का आंकड़ा फेल हो जाता है, जिन्होंने 2 से 3 करोड़ रुपए का कलेक्शन फिल्म का पहले दिन का बताया था वो आंकड़ा तो यहाँ फेल हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद में किस पे डिपेंड करेगा? दरअसल दोस्तों फैमिली ऑडियंस पे डिपेंड करेगा। इस फिल्म को फैमिली फिल्म बताया जा रहा है। वरुण धवन तथा कियारा आडवाणी आपस में शादीशुदा है, विदेश में रहते हैं लेकिन उनकी आपस में पटती नहीं है। वो देश लौटते हैं और अपने माता पिता से ये बात करना चाहते हैं कि वो तलाक लेना चाहते हैं, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो देखते हैं कि उनके माता पिता भी आपस में खुश नहीं है, वो भी तलाक लेना चाहते हैं। तो इसी के इर्द गिर्द पूरी फिल्म की कहानी बुनी गई है। तो फिल्म का जो ट्रेलर है वो तो बिल्कुल भी किसी को पसंद नहीं आया था, घटिया ट्रेलर बताया गया था इसको। करण जौहर की जो यूजुअल फिल्में होती है, करण जौहर की फिल्म का मतलब रिच फिल्म है, रिच फैमिली की फिल्म है, जो उच्च वर्ग की फिल्में हैं वो मतलब उच्च वर्ग जो मिडिल क्लास नहीं, जो बहुत बड़े अमीर आदमी है उनकी फिल्में वो बनाते हैं, पैसा पानी की तरफ आते हैं, उनके जो घर होते हैं बहुत ही सुख सुविधा से युक्त होते हैं। तो वैसी एक फिल्म है जो अपन करण जौहर की फिल्म देखते रहते हैं। इसके अलावा फिल्म की कहानी है उसमें कोई ऐसा कोई नयापन नहीं है कि फिल्म बहुत ज्यादा आकर्षित करे आपको या मतलब बहुत यूनिक स्टोरी हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट पर ऑलरेडी चोरी के केस लग चुके हैं, चोरी का इल्जाम लग चुका है, कोर्ट में फिल्म की स्क्रीनिंग हुई है। विशाल सिंह जो कि रांची के रहने वाले, उन्होंने फिल्म की कहानी चोरी करने के आरोप करण जौहर पर लगाए। वहीं फिल्म का गाना नच पंजाबर उसके ऊपर भी चोरी का आरोप लगा है। तो कई तरह के विवादों में फिल्म पहले से है और फिल्म की स्टोरी कोई ऐसी नहीं है जो आपने कभी देखी नहीं, ट्रेलर किसी को पसंद नहीं आया था। तो फिर कुछ क्रिटिक्स ने इसको ब्लॉकबस्टर फिल्म रिलीज से पहले कैसे बता दिया कि फिल्म सुपरहिट होगी, फिल्म बहुत जबरदस्त बिजनेस करेगी, और वहीं कुछ क्रिटिक्स कह रहे हैं कि फिल्म फ्लॉप होगी, 2-3 करोड़ भी नहीं कमाएगी। तो आखिर हकीकत क्या है? दोस्तों मैं आपको बता दूं, हकीकत यह है कि फिल्म को 5 से 6 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग प्राप्त हुई है। इसका मतलब फिल्म कम से कम 5 से 6 करोड़ रुपए का कलेक्शन तो करने ही वाली है, पहले दिन की मैं बात कर रहा हूँ। दोस्तों उसके बाद में डिपेंड यह करेगा कि फिल्म को वर्ड ऑफ माउथ कैसा मिलता है, जो दर्शक देख के आते हैं उनको फिल्म कैसी लगती है। क्रिटिक्स जो ऑनेस्ट रिव्यूज देंगे, आज जो रिव्यूज आएंगे फिल्म के बारे में, उससे डिसाइड होगा कि फिल्म एक्चुअली वास्तव में बहुत ही अच्छी है, बहुत ही एंटरटेनिंग है
या फिर फिल्म बेकार है, अच्छी नहीं है, पसंद नहीं आ रही लोगों को, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर फिल्म को फर्स्ट शो के बाद में अच्छे रिव्यूज मिलते हैं, अच्छा वर्ड ऑफ माउथ मिलता है, तो फिर दोस्तों वॉकिंग ऑडियंस सिनेमाघर में देखने के लिए फिल्म को जरूर जाएगी। और ऑन द स्पॉट जो टिकट लेकर के जो फिल्म देखने जाते हैं उन दर्शकों की, उन व्यूअर्स की संख्या बढ़ सकती है, तो दोस्तों फिर फिल्म का कलेक्शन डबल डिजिट तक भी पहुंच सकता है। डबल डिजिट भी नहीं तो कम से कम फिल्म 7 से 8 करोड़ रुपए की ओपनिंग आज जरूर ले सकती है, मेरा ऐसा मानना है। तो दोस्तों जैसे ही फिल्म का जो रिव्यू आते हैं, आप मेरा भी रिव्यू देखना मत भूलिएगा, मैं अपने चैनल पर फिल्म का रिव्यू जरूर करूंगा और उसके बाद में आपको एग्जैक्ट आंकड़ा बताऊंगा कि फिल्म आज कितना कलेक्शन कर सकती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आपको ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा, साथ ही दोस्तों अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर।